जिंदगी में हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि वक्त पूरा करना है। जिंदगी में हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम शादीशुदा हो। गलत बोला? गलत बोला क्या? याद रखिए, जीवन में एक वक्त अब याद रखिए, जीवन में दुख आ गया, कष्ट आ गए, परेशानी आ गई, तकलीफें आ गई, चिंताएं आ गई, क्यों आई? सवाल, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये समस्याएं क्यों आई? इसलिए हमें दुनिया में रहकर के जीना नहीं आया। सब आया, जीना नहीं आया, जीने की कला हमें नहीं आई, जीने की कला, जीने की कला, कला, कला। विद्यार्थी से टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ तुम्हें कौन सी कला पसंद है? एक विद्यार्थी ने कहा, सर समझे नहीं। टीचर ने कहा, हस्तकला पसंद है या नृत्य कला पसंद है या लेखन कला पसंद है या संगीत कला पसंद है, तुम्हें कौन सी कला पसंद है? बच्चे ने कहा, सर मुझे तो वो क्लास की अंतिम बेंच पर बैठी जो शशिकला है वो पसंद है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जीने की कला। इस दुनिया में रहते हुए, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, संसार में रहते हुए, आदमी को जीने की कला आना चाहिए। और जीने की कला सिर्फ ये है कि जिंदगी में दुख आए, जिंदगी में सुख आए तो हंस लो, और जिंदगी में दुख आए तो हंस के उड़ा दो। जीने की कला, जीवन में दुख आए, जीवन में सुख आए तो हंस लेना, जीवन में सुख आए तो हंस लेना, जीवन में सुख आए तो हंस लेना, और जीवन में कभी दुख आए तो हंसकर उड़ा देना। दुख तो आएंगे, दुख आएंगे। जनबाग प्रवचन में मैंने कहा था, बड़ा ढीठ मेहमान है, दुख ढीठ मेहमान है, अगर ये आपकी घर की तरफ चल दिया है तो आएगा। दुख अगर आपकी तरफ चल पड़ा है आएगा। अगर दुख को सामने से आता हुआ देख करके दरवाजा बंद कर लोगे, सामने का दरवाजा बंद कर लोगे तो पीछे के दरवाजे से आ जाएगा, दुख आएगा। सामने का दरवाजा बंद कर लो तो पीछे के दरवाजे से आएगा, पीछे का दरवाजा भी बंद कर लो तो खिड़कियों से आएगा, खिड़कियों को भी बंद कर लो तो वो पानी निकलने की मोरी होती है ना, उससे आएगा, उसको भी बंद कर लो तो छत को फाड़ करके, फर्श को उखाड़ करके आएगा, आएगा, हर हाल में आएगा। ढीठ मेहमान है, ढीठ मेहमान, ढीठ मेहमान है, आएगा, हर हाल में आएगा। इसलिए जीवन में सुख आए हंस लेना, और दुख आए तो हंस के उड़ा देना, यही जीने की कला है।